1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की स्वर्ण जयंती आज। पीएम मोदी ने जलाई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल। युद्ध के परमवीर और महावीर चक्र विजेताओं के गांव में भेजी जाएगी मशाल। केरल के नगरीय निकाय चुनाव के लिए 244 केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी। लेफ्ट फ्रंट को मिली निर्णायक बढ़त। कोच्चि निगम में UDF तो तिरुवनंतपुरम में NDA आगे। भीषण ठंड के बावजूद 21वें दिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं किसान संगठन। कृषि कानूनों को बताया डेथ वारंट। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर को किया जाम। यातायात सेवा ठप। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की घेरेबंदी से आम लोगों की परेशानी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे सहित 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में कम से कम 7 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। MSP जारी रहने के सरकार के दावों के बीच RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने MSP ना मिलने को लेकर मध्य प्रदेश में किया प्रदर्शन। इंदौर मुंबई सहित 2 हाईवे जाम करके जताया रोष। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर पड़ी कमजोर। संक्रमण दर में आई कमी। मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। बिहार में लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। नीतीश सरकार का फैसला। कैबिनेट ने किया बेरोजगारों को 10 लाख तक का लोन मुहैया कराने का भी फैसला। और एम्स नर्सिंग यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल ली वापस। दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बाद लिया फैसला। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग के साथ शुरू हुई थी हड़ताल।